तो देखिएगा ये मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इसमें बाहर लिखा हुआ आ रहा है भाई न्यू टूल्स आर नाउ अवेलेबल और एक ब्लू कलर का डॉट भी आ रहा है। तो भाई कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, ऐसे जो हो रहा है ना इससे क्या होगा क्या है सब कुछ मैं आज वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। सबको करना मतलब वीडियो में एंड तक बने रहना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे गेट मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है कि मैं साइन अप करके एक वेरिफिकेशन बैच को ले सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी सेम चीज़ आ रही हो, आपको कुछ और भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको आ रहा हो कि आपको ब्रांडेड कंटेंट टूल इनेबल हुआ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आपको और भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक मेरा दूसरा अकाउंट है जैसे इसमें और भी नोटिफिकेशन जो आए हैं जैसे कि आ रहा है सेटअप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और दूसरा आ रहा है अप्रूव कंटेंट क्रिएटर। तो जब भी आपको भाई कोई नया टूल्स मिल रहा रहता है ना, देखो भाई नॉर्मल लोग के पास क्या टूल्स रहते हैं, एक ब्रांडेड कंटेंट रहता है, एक ऐड टूल्स रहता है और एक सेव्ड रिप्लाईज रहता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक नया टूल मिला फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का, तो भाई ये टूल्स रहता है सबके पास, आप सेटिंग में जाके कर सकते हो। पर जब आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में दोबारा शो होता है ना, ऐसे अलग से दिखता है ना, तो आपको बाहर एक नोटिफिकेशन आता है कि न्यू टूल्स आर अवेलेबल। तो न्यू टूल्स आर अवेलेबल का मतलब इतना है कि आपके पास जितने टूल्स पहले थे, अब आपने और ज़्यादा मेहनत करी, आपने और ज़्यादा जो आपका कंटेंट है वो लोगों को अच्छा लगा, इसलिए जो इंस्टाग्राम है ना उसने आपको और टूल्स प्रोवाइड करे। तो यही भाई कोई भी टूल हो सकता है, जैसे कि भाई यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का आया, अगर भाई हो सकता है आपने अगर भाई वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करा हो जो भाई मेटा वेरीफाइड आपको उसके लिए टूल आया हो आपको वो भी मिल सकता है। या तो भाई अगर कोई आपको अप्रूव करना चाह रहा है कंटेंट क्रिएटर के लिए, कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है, तो वो अगर आपको सेंड करता है अप्रूवल रिक्वेस्ट करता है तो भाई उसका भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। फिर कोई भी नया अपडेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एड अ व्हाट्सएप बिजनेस आपको आ सकता है, सेटअप अ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो भाई अलग अलग चीज़ जब भी आपको टूल्स मिल रहा रहता है, फिर कोई भी नई हो रही रहती है, तो आप बाहर लिखा हुआ आता है न्यू टूल्स आर नाउ अवेलेबल। तो कुछ नहीं भाई, आप फिर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा नया टूल मिला है, तो आप उसका भाई यूज कर सकते हो। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जो आपको लिखा हुआ आ रहा था न्यू टूल्स आर नाउ अवेलेबल इसका क्या मतलब है, सब कुछ मैंने आज की वीडियो में क्लियर कर दिया। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड और कुछ पूछना जाना फिर बताना, तो एक कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे शो हो रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।